फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग अपने सिस्टम में विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अनसपोर्टेड पीसी पे। तो आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगा कि जो एरर भी आ जाता होता है इनकम्पैटिबिलिटी का, वो जब फोन इंस्टॉल करते हैं यूएसबी के थ्रू। क्या आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल की हुई है, सो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को चाहिए होगी यूएसबी, वो भी मैं ये लिख भी देता हूँ इसके ऊपर, और उसके साथ साथ आप लोग को चाहिए ISO फाइल, जो कि वो ईजीली मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाती है ईजीली। और उसके अलावा एक और थिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो जो रजिस्ट्री एडिट की फाइल, वो मैं आप लोग को खुद दूंगा, तो उसके थ्रू आपकी विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगी। सो चले पहले मैं क्रोम ओपन करता हूँ और वेबसाइट पर लिख लिया, फिर आ गया हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है गूगल, मैंने अभी यहाँ पर गो लिखा है, तो मैं यहाँ पे गूगल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लिया आप सिंपल विंडोज 11। बस यहाँ पे आप लोग जाएँ डाउनलोड विंडोज 11 पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और यहाँ पे आप लोग इन्होंने आप लोगों ने इंस्टॉलेशन असिस्टेंट और ये वाली इंस्टॉलेशन मिली है, ये दोनों यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह ये डाउनलोड जो है डिस्क इमेज, इस पर आप क्लिक करें मल्टी डिस्क डाउनलोड। उसके अलावा अगर आपका किसी का आर्किटेक्चर 64 बिट है तो सिर्फ उसी पे वर्क करेगा, उसके अलावा डिफरेंट आर्किटेक्चर 32 पे नहीं वर्क करेगा। आप लोगों ने बस डाउनलोड कर लेना है सिंपल। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है गूगल पे। ये जितनी भी मैं वेबसाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके रिडायरेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये refuse.ie वेबसाइट है जहाँ से USB को पहले बूटेबल किया जाएगा। अच्छा, जब USB ये मतलब ये डाउनलोड हो जाए, उससे तो आपने वो डाउनलोड कर लिया ISO, उसके अलावा जब ISO डाउनलोड हो जाए यहाँ पे आए और इसको कर दिया। तो जब आप लोग यहाँ पे आ जाए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के सामने आ जाएंगे, एक सेकेंड नॉट रिस्पॉन्ड भी आ गए, दोबारा ये अगर आप लोगों के साथ भी आए तो खैर है। आप लोगों ने ISO फाइल सेलेक्ट कर लेंगे उसमें, जो फाइल डाउनलोड होगी ना माइक्रोसॉफ्ट, और आप लोगों ने इसका खास ख्याल रखना है पार्टीशन स्कीम का, ये MBR और GPT का। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन सी MBR है और कौन सी GPT है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट है, आप तो यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, मैनेज में जाऊंगा। मैनेज में जाने के बाद वहां पे आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे आएगी। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देख सकते हैं कि मैं USB में ये रिफ्यूज आ गया, और यहाँ पे हमने ISO फाइल डाउन एक्स्ट्रा मतलब डाल देनी बीच में, और उसके साथ जो एक फाइल मैं आप लोगों को दूंगा रजिस्ट्री एडिट की, वो भी आपने साथ बीच में डाल देना। आपका ये मैनेज कंप्यूटर मैनेज ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आपने डिस्क मैनेजमेंट में आके यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है, ये वाला डिस्क 0 जो कि आपकी मेन डिस्क है सिस्टम की, इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे करना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने वॉल्यूम पे आ जाना है। अगर तो ये यहाँ पे MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड है, तो फिर यही करना है, उसमें सेलेक्ट कर लेना आपने पार्टीशन स्कीम में, और अगर यहाँ अगर GPT आपका है, तो यहाँ पर आपने वहाँ पर GPT ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है, जब USB बूटअप हो जाए, उसके बाद एक फाइल है ये वाली bypass.rg, ये मैं आप लोगों को दूंगा, ये आप लोगों ने बीच में फाइल डाल लेनी है, ठीक है। बाकी ये ऑफिस और ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं साथ आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल, जब आपके USB बूट हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने सिस्टम को कर लेना है शट डाउन या रीस्टार्ट, जो भी आपने करना, क्योंकि रीस्टार्ट में टाइम लेता, तो मैं शट डाउन करूँगा। उसके बाद आगे बताता हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, बट बस आपको दिखाऊँगा कि आप लोगों ने कहाँ से इसको बाईपास करना है, उसके बाद जैसे नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल होती है वही होती है। बूट की थी वो F9 थी, सो मैंने F9 को ही प्रेस किया, उसके बाद ये मेरे सामने ये आ गया। अगर आपकी CD-ROM है तो CD-ROM करी, CD-ROM का तो मैंने ये बताया, USB का करें, ठीक है। और देन उसके बाद आप लोगों ने इस पर भी कर लेना है एक दफ़ा एंटर का बटन प्रेस, कोई भी बटन प्रेस कर लें, उसके बाद ये बूटअप पे आ जाएगा। आगे का मैं स्टेप आपको बता दूँ, ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल नाउ पे किया, सही है।
और उसके बाद अब जब ये अगेन स्टेप पे आएगा वहाँ पे आप लोगों ने इसको कर लेना है, I don't have any product key, ठीक है। और जब यहाँ पे आप विंडोज 10/11 होम सेलेक्ट करके आप होम एडिशन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि पी सी इनकम्पैटिबल है, थोड़ा लाइट है, तो इस वजह से मैंने भी यही की है। उसके अलावा अब ये देखिए यहाँ पे आ गए दिस पी सी कॉन्ट रन विंडोज 11। अब इसको सॉल्व करने के लिए शिफ्ट और F10 का बटन पहले दबाएँ, CMD खुल से नोटपैड लिखें, नोटपैड लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएं फाइल पे और सेव एस, देन दिस पी सी पे, यहाँ पे अपनी USB देख लीजिए, ये है CCOMA, और यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कर दे ऑल फाइल्स, देन इसको कर ले आप मर्ज, ठीक है। मर्ज करने के बाद यस कर ले, ओके कर ले, क्लोज क्लोज एंड डिस्क्लोज। उसके बाद विंडोज 11 होम सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। सो आप देखिएगा अब ये देखिए मुझे बिल्कुल आगे रीडायरेक्ट करके और यहाँ से मैं डिलीट करके और आगे नेक्स्ट कर सकता हूँ। सो मैंने इंस्टॉल करनी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जस्ट मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ऐसे आप लोग इंस्टॉल करनी है और विंडोज 11 जो। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक मैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।